मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जीश थोड़े से पैसों के लिए इतना गिर जाएगा और फिर ऐसे किसी काम में पड़ जाएगा। डॉक्टर अवैस, आप कॉकेन से भरा हुआ बैग लेकर उनके बताए हुए पते की तरफ जाएंगे और हम नक्शे के मुताबिक उस जगह पर रेड करेंगे। उन दोनों को निशान के पहलों में लटा देना। बेटा, इसका नाम टोनी की बजाय तैमूर रख ले, फिर देख ये तेरी तानी को कितना प्यार करेगा। तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि जेसी के खामन का पता चल गया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। नहीं, उसका मर्डर हो चुका है। क्या? ओ मेरे खुदा, बेचारी जेसी। तबीयत का हाल पूछना है। तबीयत बहुत खराब, डॉक्टर को ले आओ। डॉक्टर तो मसरूफ, टाइम ही नहीं है उसके पास। दवा लिख दी है उसने, अब तो वही खानी पड़ेगी। डॉक्टर से जाके कहो मुझे दवा की नहीं उसकी जरूरत। मेरी नब्ज छूलेगा ना तो मैं ठीक हो जाऊं। जिस डॉक्टर की तू बात कर रही है ना, उसकी तो डिग्री ही जाली है। मुझे जाली डिग्री वाला डॉक्टर भी मंजूर। जाली डिग्री वाले डॉक्टर ने आगे तेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं तो सोच रहा हूँ इस बार उसके खिलाफ रिपोर्ट कर, जेल करवा दूँ उसे। तो फिर मुझे भी उसके साथ कैद में डाल देना। आज तेरी बातों से खुशबू आ रही है, वरना तू तो मेरी बातों का जवाब ही नहीं देती। हाँ, जवाब भी दे रही है और बात भी कर रही है, और पता है जब एक बार जवाब आने लग जाए ना तो फिर सवाल भी आने लग जाते हैं, और जब सवाल आने लग जाए फिर तो मसले ही हल हो जाते। क्या मतलब, तू कहना क्या चाह रहा है? यही कि तेरे दिल में अब जगह खाली हो रही है और मेरे लिए जगह बन रही है। तू मान ना मान पर हकीकत तो अब यही है। अपनी हकीकत तो अपने पास रख और चला जा यहाँ। तेरे लिए मेरे दिल में ना कभी कोई जगह थी, ना है और ना ही कभी होगी। सोचता था कि तेरी देखभाल करूंगा, तेरी तीमारदारी करूंगा तो शायद तेरे दिल में मेरे लिए जगह बन जाए, पर तेरा दिल तो पत्थर का है। तो फिर सुन, अगर तू किसी के लिए अपनी जान दे सकती है ना, तो तेरे लिए मैं भी अपनी जान दे सकता हूँ। मुझे परवाह नहीं, देखता हूँ।
तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? क्या? यही कि तुम बहुत ज्यादा स्वीट हो, हाँ शायद मुझे लगते हो, क्योंकि अगर तुम स्वीट ना होते तो मैं तुम्हें एक जोर का थप्पड़ मारती और तुमसे पूछती कि आखिर क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है जो तुमने ऐसा फेस बनाया हुआ है। तो फिर तुम थप्पड़ मारती क्यों? नो, इसलिए क्योंकि व्हाट्स यू से, या तुम मेरे मोहसिन भी हो। बस सिर्फ मोहसिन? टोनी, दिस इज योर प्रॉब्लम। तुम मेरी बात कंप्लीटली सुनते ही नहीं हो। मैंने कहा कि तुम मेरे मोहसिन भी हो और क्या? मेरे बहुत 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 अच्छे फ्रेंड। अच्छा तो ये चेहरे की उदासी उतारो, वरना मुझे उदासी उतारनी आती है। वो कैसे? मुझे खुद खुद ही बहुत अच्छी करनी आती है। For God's sake, Tony, इस तरह की दुआ मांगना बंद करो कि जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है वो तुम्हारी हो जाए, क्योंकि जिसकी वजह से आज तुम थानिया को छोड़ रहे हो, कल को वो अपनी मोहब्बत मिलने पर तुम्हें भी छोड़ सकती है। जी इंस्पेक्टर साहब। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस शख्स ने बता दिया है कि उन्होंने निशान को कत्ल करके कहां दफनाया। मैं तुम्हें वो जगह बताऊंगा, फिर तुम वहां पे आ जाना। ओके सर, जब आप कहेंगे मैं आ जाऊंगा। ओके, खुदा हाफिज।
तूने फिर से भूख हड़ताल कर ली है। भूख हड़ताल नहीं की और ना ही मैं अब अपनी जान दूंगी। हकीकत को समझने की कोशिश कर रही हूं। अभी भूखी नहीं लगी, जब लगेगी तो खुद ही गर्म करके खा लूंगी। शुक्र है मेरे अल्लाह, तुझे भी समझ आई कि टोनी के साथ साथ मेरी जिंदगी भी जुड़ी है तेरे साथ। अच्छा, अब जब तुझे भूख लगे तो बता दे, मैं खाना फिर से गर्म करके ले आऊं। खाला। बेटा, भूख लगी है? टोनी से कह मुझे एक दफा आके मिल ले, मेरी बात सुन ले। अगर इस दफा उसे अपना ना बना सकी तो उसे हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। अच्छा, करती हूं बात। खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है।
कल से तुमने कुछ नहीं खाया। I said Tony, मुझे नहीं खाना खाना। जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना होगा। जिंदा रहने के लिए क्यों जिंदा रहूं मैं? किसके लिए जिंदा रहूं मैं टोनी? क्या सिर्फ ज़िशान ही तुम्हारा अपना था? अगर ये बात तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो टोनी, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि ज़िश वाज माय हस्बैंड और वो हमेशा हमेशा मेरी जिंदगी में रहेगा। I'm sorry. लेकिन क्या तुम कभी किसी और को अपनी जिंदगी में दाखिल नहीं होने दोगी? अपनी जिंदगी में किसी को दाखिल होने देने या ना दाखिल होने देने का इख्तियार अपने बस में होता है, लेकिन मैं जिंदगी के जिस पावर में फंस गई हूं उससे निकलना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा। प्लीज जेसी, अपने आप को उस पावर से निकालने की कोशिश करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बचाते बचाते कोई और भी उस पावर में फंस जाए, फिर ना तुम उसे बचा सको और वो ना तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। नहीं इंस्पेक्टर साहब, एक तो हिम्मत नहीं हुई और दूसरा ये सोचकर भी नहीं बताया कि जैसी वहां जाने की जिद करेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हो गया। Excuse me? जी? टाइम क्या हुआ? जो कल था।
आना, जाओ यहाँ से, जाओ। मैं यहाँ से कूद जाऊंगी, अगर तुम मेरी करीब आई तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे तुमसे बहुत डर लगता है, डर लगता है मुझे। यहाँ से जाओ, जाओ, जाओ यहाँ से। मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। मुझे तुमसे बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कहीं नहीं जाना है। नहीं जाना, नहीं जाना, कहीं नहीं। मुझे उसके साथ कहीं भी नहीं जाना। जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे कहीं नहीं जाना है इसके साथ। मुझे उसे बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे इसके साथ नहीं जाना। तुम मुझे इससे बचा लो। मेरे हुक्म से तुम्हें कुछ नहीं होगा। जाने खुदा। तुम कितने ठीक थे और मैं कितनी गलत। हाउ कुड आई थिंक दैट कि तुम किसी के लिए कुछ गलत कर सकते हो। नो मैटर व्हाट आई डू और हाउ आई थिंक, मैं हमेशा ये रिग्रेट करूंगी कि मैंने तुम्हें गलत समझा। कितना कुछ किया तुमने लोगों के लिए और I thought that तुम गलत हो। मैं I'm so sorry sweetheart, I'm so sorry baby। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। God forbid me, मैंने तेरे कितना गलत समझा तुमको। I'm so sorry। I'm so sorry। मुझे ये सब कुछ बहुत बाद में पता चला। देखो जैसे सिचुएशन कुछ भी रही हो, लेकिन तुम इस बात को सोचो कि तुम्हारा हस्बैंड एक अजीम इंसान था। yes. उसने एक बहुत बड़ा और अच्छा काम किया, बल्कि हमारा मुल्क भी यकीनन उसे कदर की निगाह से देखेगा। लेकिन प्लीज अब तुम खुद को संभालो, सब्र करो। What else I can do? कुल, क्यों अकेली मत रहा करो, प्लीज। नहीं कुल, मैं अकेली नहीं रहती।
टोनी मेरा बहुत ख्याल रखता है, बल्कि आप सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे ही आई वाजंट फीलिंग वेल, सो इसलिए बाहर बैठ गई। नथिंग एल्स वीरार। जेसी, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इस सिचुएशन में तुम्हें खुद को खुद संभालना पड़ेगा। टोनी मुझे रास्ते में मिला था, वो मुझे बता रहा था कि तुम ना कुछ खा रही हो ना पी रही हो। दैट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ जेसी, और तुम इस बात को अच्छी तरह से जानती हो। जो हो गया सो हो गया, लेकिन प्लीज खुद को संभालो यार। ओके, प्रॉमिस मी? या आइंदा कोई शिकायत तो नहीं मिलेगी ना? दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। थैंक्स स्वीटहार्ट, थैंक यू। ओके, मैं चलती हूँ, ठीक है? या हाफी के स्कूल ऑफ होने का टाइम हो गया है, और डेफिनेटली मुझे उसे रास्ते से पिक करना है। या मैं दोबारा आऊंगी, और बल्कि मामा को भी लेके आऊंगी। या श्योर, वो बहुत पूछती हैं तुम्हारे बारे में। या या जरूर आना। और टोनी कैसा है? टोनी ठीक है, सब ठीक है। बहुत परेशान रहता है तुम्हारे लिए। या नोमी ब्रो इज हियर। रुको, क्या फैसला किया तुमने? तुमसे तलाक लेने। आखिरी फैसला? ये आखिरी रास्ता है, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता है ही नहीं। तुम्हें अंदाजा है ना तुम क्या क्या कह रही हो? मैं सब समझती हूँ, और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है। अगर समझाना ही है ना, तो खुद को समझा। अब प्लीज तुम मेरा रास्ता छोड़ोगे? गर्ल, साथ कैसे टूटा, हाथ कैसे छूटा, सोचा ना था जो हुआ। कैसी पहेली है तू मेरी सहेली है तू, फिर भी क्यों मुझसे जुदा? ब्रो पर ये सब ठीक नहीं है। दिस इज वेरी सैड, प्लीज प्लीज जेसी, दिस इज माय पर्सनल मैटर। तुम इसमें ना ही इन्वॉल्व हो तो बेहतर है। क्या हुआ? अरे यार जवाब तो दो, हुआ क्या? इंस्पेक्टर का फोन आया था, निशान की लाश मिल गई है, उसे यहीं मारकर दफना दिया गया था। ओह
So sad. जेसी को पता? नहीं बताया मैंने. यार कम से कम उसको बताओ तो सही. जिसके लिए वो मारी मारी फिर रही थी जिंदा ना सही, उसकी लाश तो देख ले वो. नहीं देख सकेगी. पता नहीं कब से मार कर दफनाया हुआ था उसे. पता नहीं उसकी लाश का क्या हाल होगा. वो नहीं देख सकेगी. So sad. एक बार तो उससे आके मिल सकता है ना तू. आखिर वजह क्या है? तू ऐसा क्यों कर रहा है बेटा? देख, मैं जो तुझे कह रही हूं, अब वो बहुत बदल गई है. हाँ, खाना भी खाती है और रोती भी नहीं है, मरने की बातें भी नहीं करती. बेटा आखिरी बार आके उसकी बात तो सुन ले. अच्छा नहीं आता तो ना सही, फिर मुझे भी अपनी शक्ल ना दिखाना. टोनी से बात, वो कहते हैं जब वक्त मिलेगा आ जाएगा, और जब आएगा तब भी ताने से बात नहीं करेगा. मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जा सकता. कब तक रोती रहोगी? रो नहीं तो और क्या करूं टोनी. मैं बचपन से अपने रिश्तों के लिए रोती रही हूं. पहले पापा के लिए रोती थी, फिर मॉम चली गई, फिर मेरा भाई, मेरी बहन सब चले गए, और फिर जीश भी चला गया. और अब मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि मुझे अपने नए रिश्तों से बिछड़ने का खौफ है. टोनी, अब किस रिश्ते के बिछड़ने का खौफ है? वो गुलाई थी.
मुझे पता है। फिर और नोमी ब्रो भी आए थे, फिर उनकी लड़ाई हो गई और बहुत सारी बातें हुई और बात डिवोर्स तक पहुंच गई। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। दे वर रियली एंग्री, दे बोथ वर एंग्री। टोनी प्लीज कुछ करो, कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ते टूट जाए। सुना है जेसी, ऐसे रिश्ते जिनको हम मियां बीवी कहते हैं आसमानों पर बनते हैं, और आसमानों पर रहने वाला ही बेहतर समझता है। तो फिर आसमानों में बनने वाले रिश्ते जमीन पर टूट क्यों जाते हैं? ये रिश्ते तस्बीह में परोए हुए उन इमामदानों की तरह के होते हैं जो दाएं बाएं से तमाम दानों को जोड़ के रखता है, लेकिन जब दाने टूट कर बिखर जाते हैं तो इमाम उन्हें समेट नहीं सकता, अकेला रह जाता है। राइट, हमें इस तस्बीह को टूटने नहीं देना है टोनी, एट एनी कॉस्ट। किया करते थे, मुझे समझाया करते थे कि कभी किसी के लिए जान नहीं देनी चाहिए, और खुद क्या किया? मेरे पास भी एक आखिरी उम्मीद कि टोनी मेरे पास जरूर आएगा, लेकिन लगता है कि मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है। अब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, मैं भी चली जाऊंगी इस दुनिया से, मर जाऊंगी मैं भी। जो कर पाती है याद है तेरी, याद है सनम दिल को जो तड़ पाती है, बिन तेरे जिया जाए ना सनम आँख ये भर आती है। कैसे दिल ये न जाना प्यार होता दीवाना, दिल की बातें मेरी जाने या जाने खुदा।